सर मंदसौर में तो स्थिति क्लियर हो गई, बीजेपी के नेताओं को बीजेपी कार्यकर्ता ने गोली मार के उनकी हत्या की है, और फिर किस बात से ज्ञापन देने जा रहे हैं? भाई सवाल इस बात का है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो हथियार बनाने की, एटम बम बनाने की, बम बनाने की, हथगोला बनाने की और विस्फोट बनाने की ट्रेनिंग देता रहा है। तो अभी तक सरकार में 15 साल से थे, ये मामले दबे नहीं, और इसमें उनकी आपकी प्रज्ञा ठाकुर वो अभी तक मुलजिम है और सब सिद्ध हो गए मामले। और ऐसी अपराधी प्रज्ञा को इन्होंने यहाँ लगातार 15 साल से सुख सुविधाएं भोग करने के लिए भर्ती कराने की बीमारी के नाम पर करा रखा है। अपराधियों को पाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कर्तव्यधर्ताओं ने, अब वही लोग उत्पात करा रहे हैं। तो अपराध ये बढ़े नहीं, अभी एक दो घटनाएं अगर होती हैं, सवाल अगर कोई अपराधी है तो अपराध तो करता है, सवाल इसका सरकार क्या करती है। अगर अपराधी को पकड़े नहीं, अपराधी पर तुरंत कार्रवाई नहीं करें, तब सरकार दोषी है। और अभी एक महीने नहीं हुआ मंत्रिमंडल बने, एक महीने में कानून व्यवस्था बिगड़ गई, उनके तमाम लगातार हत्या होती नहीं पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश इसमें रेप के मामले में नंबर एक पर रहा, बच्चियों के यहाँ से प्रदेश से अपहरण होने के मामले में नंबर एक पर रहा, कुपोषण में बच्चे बच्चियों को एक न एक, सब भ्रष्टाचार की जड़ भारतीय जनता पार्टी है। अब इस जड़ में हम मठा डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके दवा डाल देंगे तब ठीक होगा। सर बीजेपी पे हार पच नहीं रही है क्या? वो इस तरह की चीज़ें करेंगे, धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, अपने टाइम तो कुछ नहीं करते थे। अब वो बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन करके सोचते हैं सरकार इनकी धमकियों में दब जाएगी। सरकार दबने वाली नहीं है, जो उनने कारनामे किए हैं, एक एक चिट्ठा खोलेंगे और उनको एक एक बढ़िया जेलों में जो कोठरी होगी उसमें भेजने का काम करेंगे। सर सहकारिता का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से पिछले 15 साल में ठप हो गया, यही कारण है किसान लगातार आत्महत्या करते रहे और कृषि बढ़ नहीं पाई। तब आपके पास है सहकारिता की कमान, फिर अब ऐसा कृषि कर्मण पुरस्कार तो प्राप्त करते रहे, फिर हालत क्यों हुई? क्यों किसान आत्महत्या कर रहे? क्या किसानों ने आत्महत्या खुशहाली में की है? ज़्यादा इन्हें पुरस्कार लेके आए, खुशहाली में पैसा अच्छा हो गया, हम सब इसको कर रहे हैं। और पूरा कोऑपरेटिव विभाग का सहकारिता का सिस्टम इन्होंने समाप्त कर दिया है, कॉलैप्स हो चुका है। अब उसको खड़ा करने में थोड़ा समय लगेगा, 1 साल के अंदर अंदर आपको सहकारिता में सुधार दिखेगा कि सहकारी संस्थाएँ फिर हम चालू करना है। आज 38 में से 10 बैंकों में ऋण नहीं बट रहा, बाकी बैंक 5-6 बैंक जो और बची है वो भी बंद होने की कगार स्थिति पर है। हम सब लोग आज हमने मीटिंग बुलाई समूचे अधिकारियों की, हमारी अभी सर्वोच्च प्राथमिकता है किसानों की ऋण माफ़ी, जो हमारे नेता राहुल गांधी ने जो वायदा किया था उसको और निभाया है। अभी हम फरवरी के पहले सप्ताह तक ऋण मुक्ति में 35 लाख किसानों को ऋण मुक्ति प्रदान करेंगे, 10 लाख हैं उनके लिए भी सर्वे चला कराया जा रहा है, उनको भी देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है जिन लोग जिन किसानों ने ईमानदारी के कारण ऋण चुका दिया उनको भी हम ऋण की वापस जमा की हुई राशि वापस कर रहे हैं। ये कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं। 17-18 फरवरी को